दोस्तों अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर उसके क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो अब 1 सितंबर से HDFC बैंक वालों ने लेट पेमेंट चार्जेस को रिवाइज कर दिया है। पहले जो चार्जेस लगते थे आपको 31 अगस्त से पहले, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, और अब जो 1 सितंबर से आपको लगने वाले चार्जेस की न्यू लिस्ट आई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो और सलाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल टेक विद सन पे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1 सितंबर जिस अब आपको चार्जेस पड़ने वाले लेट पेमेंट के ऊपर। तो वीडियो को देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है उनको ये वीडियो जरूर पहुंचा दिएगा। सबसे पहले दोस्तों पार्ट वन में आपको बताने वाला हूँ 31 अगस्त से पहले आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगते थे या फिर लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर 100 रुपए से कम अमाउंट होती थी आपकी आउटस्टैंडिंग तो उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे। 101 से लेके 500 के बीच में दोस्तों आपको 100 रुपए के चार्जेस लगते थे। 501 से लेके 5000 के बीच में आपको 500 रुपए के चार्जेस लगते थे। 5001 से लेके 10000 के बीच में आपको 600 रुपए के चार्जेस लगते थे। 10001 से लेके 25000 रुपए तक दोस्तों आपको 800 रुपए के चार्जेस लगते थे, और 25001 से लेके 50000 तक आपको लगते थे 950 रुपए के चार्जेस। 50000 प्लस से ऊपर अगर आपकी लेट पेमेंट है तो दोस्तों उसके ऊपर आपको लगते थे 950 रुपए के चार्जेस। तो ये तो दोस्तों चार्जेस है, वो तो 31 अगस्त से पहले के जो आपको लगते थे या लग रहे हैं। अब 1 सितंबर के बाद दोस्तों जो चेंजेस आया, देखिए दोस्तों पहले जो 5 है उस पर तो कोई चेंज नहीं आया, फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। तो अगर 100 रुपए से कम है कोई चार्जेस नहीं है, 100 से लेके 500 के बीच में तो आपको 100 रुपए के चार्जेस है, 501 से लेके 5000 के बीच में तो आपको 500 रुपए के चार्जेस है, 5001 से लेके 10000 के बीच में आपको 600 रुपए के चार्जेस है, 10001 से लेके 25000 तक है तो 800 रुपए के चार्जेस है। तो दोस्तों ये सारे तो सेम है। अब दोस्तों जहां पे चेंजेस आया वो दोनों के मैं लेट पेमेंट चार्जेस की आपको बात बता रहा हूं। तो 25001 से लेके 50000 रुपए तक का तो दोस्तों आपको लगने वाले अब 1100 रुपए के चार्जेस। पहले 950 रुपए लगते थे पर अब आपको 1100 रुपए के चार्जेस लगते थे, और अगर 50000 से ऊपर की कोई ट्रांजेक्शन है तो पहले आपके 950 रुपए लगते थे दोस्तों, अब आपको लगने वाला है 1300 रुपए के चार्जेस। इन सब के ऊपर GST एप्लीकेबल रहेगा, अदर टैक्सेस एप्लीकेबल रहने वाली है। और इसके साथ दोस्तों लेट पेमेंट का जो उन्होंने एक न्यू अपडेट और निकाला है, वो सेकंड अपडेट दोस्तों ये है कि अब आपको अगर डुप्लीकेट स्टेटमेंट कोई निकलवानी है तो उसके आपको 10 रुपए के चार्जेस पड़ने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें दोस्तों न्यू अपडेट्स थे जो कि मैंने अब इस वीडियो में कवर कर दिया है। ज्यादातर दोस्तों यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने मॉरेटोरियम पीरियड लिया है उनको ही मिलने वाला है, बट मुझे जहां तक लगता है बहुत जल्दी सब जितने भी यूजर्स है HDFC के उनके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिया, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर दोस्तों इसको लाइक करेगा, और पसंद है तो जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली है जिनके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है उनको जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज में दोस्तों प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।